हिट में थोड़ा सा स्कैर्ड थी सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ग्राउंड पे वापसी किया सर। 23 में मैं कोई कंपटीशन नहीं खेली सर, मेरे को इंजरी भी था सर, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था सर, और मेरा पर्सनली इश्यूज था सर, और कुछ फैमिली इश्यूज था, उसकी वजह से मैं कंपटीशन नहीं कर पाई सर। अभी भी मेरा कोई चांस नहीं था सर इंटरस्टेट में करने का, पर मैंने अपना जितना भी मेरा गेम का सब सामान होता है वो मैंने सब फेंक दिया था सर, कि मेरे को नहीं करना गेम, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा था सर। और मैंने कई बार स्पॉन्सर्स के लिए काफ़ी ट्राई किया सर, किसी ने मेरे को बोला कि गो स्पोर्ट्स से कोई एक वो है, उनको थोड़ा बोलो, अगर वो हेल्प करते हैं तो वो करते हैं। तो मैंने उसके लिए मेल वगैरह भी डलवाया सर किसी से, पर वो मेल का रिप्लाई मुझे नहीं मिला सर। फिर मेरे कोच ने बोला कि किरण जहाँ इतना किया तो एक बार और ट्राई करके देख ले, कोई बात नहीं, तब हम ये सोच के तैयारी करते हैं ना कि लास्ट है, उस टाइम पे कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। उनके कहने के बाद मैंने एक तैयारी और शुरू किया सर, बट मैंने फेडरेशन कप में ही सोचा था सर तैयारी अच्छा अच्छा भागने का लिए सर, पर फेडरेशन कप भी मैं नहीं करवाई सर, मेरे को इंजरी है सर काफ़ी टाइम से, कभी फ्रंट में कभी हैमस्ट्रिंग में, लेकिन अभी लंबे टाइम से सर मेरे को हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो रहा है सर, तो उसकी वजह से मैं फेडरेशन कप नहीं कर पाई सर। फिर मैंने ग्रैंड प्री के लिए सोचा सर, बैंगलोर एक ग्रैंड प्री था सर, बट बैंगलोर मेरे लिए लकी नहीं है सर, मैक्सिमम जितना भी कॉम्पिटिशन मेरा बैंगलोर हुआ है सर, मैं उधर जाकर बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि उधर का वेदर मुझे सूट नहीं होता सर इस वजह से। पर उस टाइम भी मेरे को इंजरी था सर, मैं नहीं कर पाई, लेकिन इंटर स्टेट के लिए भी अभी कुछ टाइम कुछ महीने पहले ही मैंने मेरा स्टेट हुआ था सर, उसमें मैंने बात की अपने सेक्रेटरी से कि सर मेरे को थोड़ा डायरेक्ट एंट्री दो, मेरे को इंजरी है। तो उन्होंने बोला कि किरण काफ़ी लड़कियां हैं जो फिट हैं, आपको भागना ही पड़ेगा, और आपका पिछले साल कोई रेस भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए दौड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए मेरे को इंजरी था सर, पर मैं फिर भी मैंने ट्राई किया सर। एंड आई थिंक मॉर्निंग में जब आपका रेस था 8 था 52.33 था जी आपका, सर जी, तो उसके बाद आपको लगा कि अब शाम को जो मेरा चैलेंज है उसमें शायद ना कहीं कुछ अच्छा आएगा करूँगी सर, बिल्कुल, चीज़ें। वो इसलिए सर क्योंकि सुबह के टाइम बॉडी इतना ओपन नहीं होता सर, और सुबह इतना मतलब अच्छे से किया ना सर, वो एक जो माइंड में था ना सर वो निकल गया, और ट्रैक भी काफ़ी चीज़ें होती हैं सर, जैसे ट्रैक पे कि हार्ड था नहीं था वो सब मेरे माइंड में नहीं आया, मैंने सोचा तो मैंने हिट इतना अच्छा किया तो सेमी में डेफिनेटली और अच्छा कर सकता हूँ, तो इसलिए सेमी पता ही नहीं चला सर मैंने कैसे किया, मुझे भी आइडिया नहीं है। क्या टाइमिंग लेके चल रहे थे आप, तो कोई दिमाग में होगा ना कि ये टाइमिंग सर करेंगे? मैंने ऐसा कोई पर्सनली कुछ नहीं सोचा था, कोच ने सिर्फ ये बोला था कि क्वालिफाई करना है, बस वो करो बाद में, बाद का बाद में देखते हैं, वो हुआ सर, बस मेरे लिए वो काफ़ी है सर। कहाँ थे 1.5 साल, क्या हुआ आपके साथ, सर वो अगर थोड़ा मैं डिटेल में लंबे बताओ, टाइम से बताऊं तो वो इतना है सर कि मैं नहीं बता पाऊंगी, और शॉर्ट में एक्सप्लेन बताओ। भी अगर मैं करती हूँ सर वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर सर मेरा थोड़ा फैमिली इश्यूज़ है, कुछ मेरा पर्सनल इश्यूज़ था सर जिसकी वजह से मैं कंपटीशन नहीं खेल पाई सर, और एक्चुअली मैं मेरे फादर से भी काफ़ी अटैच थी सर, वो एक्सपायर हो गए सर 2 साल पहले, वो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे सर और मेंटली भी सपोर्ट करते थे, उसके बाद मुझे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है सर। मतलब मम्मी से बातचीत नहीं होती थी? सर एक्चुअली ये बात बोलना नहीं चाहिए, पर काफ़ी टाइम से फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं है सर। रीज़न क्या है, उन्हें क्यों स्पोर्ट्स के जैसे? रीज़न नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स करूं, पर वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते सर, और मेरे को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा सर, मेरे को ये लगता था कि फिर मेरे को सपोर्ट ही नहीं है तो मैं क्यों किसी से बात करूँगा पुरानी बात है सर, ये काफ़ी टाइम हो गया 6-7 मंथ्स से तो मेरा कांटेक्ट नहीं है सर, और मैं उसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन भी नहीं है सर मेरे पास 6-7 मंथ से, तब फैमिली ही साथ नहीं है तो फिर फ़ोन रखने का फ़ायदा ही क्या है सर, फैमिली के अलावा और कौन ही है सर कि जिससे मेरे को कांटेक्ट करना है सर। ग्राउंड का टाइमिंग है सर वो सुबह ही मैं कोच से पता करती हूँ क्या टाइमिंग है, इवनिंग उसी टाइम पहुँच जाते हैं सर, इसलिए 6-7 मंथ से मेरे पास फ़ोन भी नहीं है सर। कभी कोच ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की आपके? नहीं सर। अच्छा आई थिंक जो आपका लास्ट कंपटीशन था मुझे याद है 2022 हरियाणा स्टेट मीट था 51.42, तो उस साल काफी अच्छा था, सर 51 लगातार आप करे जा रहे थे, उसके हाँ बाद सर, आपका ये ब्रेक आ गया सर एक्चुअली मैं का। कैंप में थी सर, कैंप में थोड़ा खाने का इश्यूज हमें होता है सर, क्योंकि वो खाना हम नहीं खा पाते ना सर, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से मुझे कंपटीशन के टाइम पे सर फूड पॉइजनिंग हुआ, तो उसकी वजह से मैं कोई कंपटीशन ही नहीं कर पाई सर, इसकी वजह से थोड़ा लंबे टाइम तक मेरे को प्रॉब्लम हुआ, और फिर तैयारी करने का भी मैंने नहीं सोचा था सर, मैंने सोच रहा था कि मेरे को गेम करना ही नहीं है, स्किप करने का लिए सोचा सर, पर सोचा एक तैयारी करते हैं उसके लिए बस ट्राई किया सर। सर मेरे को, मैं वेजिटेरियन हूँ सर, तो मैं नॉन वेज वगैरह नहीं खाती सर, और वेज में इतने चांस इतनी चीज़ें नहीं होती सर कि मैं अच्छे से खा सकूँ, ऐसा नहीं है कि काफ़ी ट्राई किया सर उन्होंने अच्छा करने का, पर मुझे अच्छा नहीं लगा सर, इसलिए मैं स्टेट का ट्रायल देने के लिए आई थी सर रोहतक, उस टाइम पे आते आते मेरे को फ्लाइट से बैग गिरा, तो मेरे को हैमस्ट्रिंग फ्रंट इंजरी हुआ सर,
उसके बाद मैंने कैंप में 4-5 बार कॉन्टैक्ट किया सर, लेकिन कुछ टाइम बाद कैंप से भी मेरा नाम कट कर दिया था सर, इसलिए मेरे को और ज़्यादा मेंटली प्रेशर आ गया। कैंप में भी मैं नहीं हूँ, फाइनेंशियली भी मेरे को सपोर्ट नहीं है सर, फैमिली से भी प्रॉब्लम सपोर्ट नहीं था सर, तो 2-3 महीने मैंने स्किप किया सर, मैंने ट्रेनिंग नहीं किया। पहली बार अपने पिताजी के बारे में बहुत बात की होती है, बहुत सपोर्ट करते थे, बिल्कुल सर, वो वाला टाइम बताइए और उनका सपोर्ट था सर। उनका सपोर्ट इतना था कि अगर वो बाहर से पैसे उठा के ला के देते थे तो उन्होंने मेरे को कभी बताया नहीं, मुझे नहीं पता सर वो कैसे देते थे कैसे नहीं देते थे, क्योंकि पापा भी जॉब नहीं है सर, पर उन्होंने मेरे को कभी ऐसे शो नहीं किया कि मैंने इतना पैसा लिया है इतना नहीं लिया है। और उनके एक्सपायर होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मेरे से इतना पैसा ले रखा था इतना ले रखा था, पर सर क्या कर सकते हैं, मेरे फैमिली में किसी का भी जॉब नहीं है सर, तो इसलिए मैंने सबको मना किया कि हम कहाँ से देंगे, तब हमारे पास इतना है ही नहीं। ग्राउंड आते थे आपको स्पोर्ट्स सर? एक्चुअली मैं 4-5 साल हो गए सर, पापा ने कभी ट्रिक नहीं है। सर फाइनल होगा उसके लिए तभी तैयार, अभी मेरे को पहले ड्रॉप देना है, उसके बाद मुझे थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग करने का होगा, तब मैं कल के लिए सोचूंगी सर। सर अभी देखो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकती, पर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी सर। सर हीमा एक्चुअली मेरे से बड़े हैं सर, मैं उनको दीदी करके बुलाती हूँ, उनसे कम्पीट नहीं कर सकती सर, पर मैं अपने सर उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है सर, बहुत अच्छा बॉन्ड है, कैम में रहे हैं काफ़ी टाइम, फिर मेरे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है सर, ऐसी बात नहीं है, कैम में तब थी, मैंने उनको अपना सब सिचुएशन बता रखा है, मेरे फादर से भी उनके काफ़ी कॉन्टेक्ट हुए हैं सर। जी जी सर सर कपड़े शूज स्पाइक्स थोड़ा सप्लीमेंट और कैंप से थोड़ा ड्राई फ्रूट मिलता था, वो उनके पास ऑलरेडी इतना है सर, तो वो ड्राई फ्रूट मुझे देते थे सर, मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, ऐसी बात उनका मेरा एक ऐसा बॉन्ड है सर, मतलब अपनापन फील होता है उनके साथ मेरे को। ओके थैंक।